भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक मात्रा में सौंफ की खेती की जाती है और यहाँ के किसान अत्यधिक मात्रा में सौंफ की खेती करते हैं। बता दें कि भरतपुर के यह मुख्य गांव हैं जो कि सौंफ की खेती पर काफ़ी निर्भर रहते हैं। अंडोवा का नंगला और झील एवं नदी का गांव, यह गांव काफ़ी अधिक मात्रा में सौंफ की पैदावार करते हैं। किसान रॉकी से बात करने पर उन्होंने बताया कि अब इन गाँव में 100 बीघे से भी अधिक की सौंफ की पैदावार हो रही है और काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की वजह से और किसान भी यह सौंफ की खेती कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में इन सौंफ का भाव काफ़ी अच्छा रहता है। इसीलिए किसान अब काफ़ी अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों में सौंफ की खेती कर रहे हैं। मैं रॉकी कुमार सैनी, आज हम बात करने वाले हैं सौंफ की पैदावार के बारे में। दोस्तों, जो सौंफ है इस जो बुवाई है वो लगभग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है, और इसकी बुवाई के बारे में बात करें तो 1 एकड़ और बात करें बीघा में तो लगभग 2.5 बीघा में इसका जो बुवाई का जो खर्चा आता है वो लगभग 2,500 के समथिंग में आता है। और ये एक मोटी प्रकार की सौंफ होती है। दोस्तों, इसका जो बाजार में जो भाव है वो बहुत ही अच्छा होता है और इसका उपयोग जो है सर्वाधिक औषधीय रूप में किया जाता है हमारे आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि आसपास के जो गांव हैं उनमें इसकी बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है। गांव में जो है, गांव आते हैं, नदी का गांव है, झील है, अंडोवा का नगला है, इन क्षेत्रों में काफी मात्रा में पैदावार होती है इसकी। और दोस्तों, हमें हमारे यहाँ भी बहुत 5 से 6 बीघा में हमने सौंफ को लगा रखा है और इसका मूल्य भी हमें मार्केट में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसमें लगभग बात करें तो 100 एकड़ से भी अधिक मात्रा में यहाँ होती है खेती, और बहुत लोग इसमें अधिक मात्रा में करने लगे क्योंकि इसका भाव जो है वो बहुत मात्रा में मिलता है, अधिक रुपए में मिलता है हमें, तो इस वजह से आसपास के क्षेत्रों में और भी लोग पैदा करने लगे हैं इसको।